हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम सीक्वेंस सीरीज में दूसरे सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, किस क्या नाम है बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपी। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर लिया जिसका नाम था एपी। एपी में मैंने बात किया था किस सिक्वेंस को एपी बोलते हैं और उसके एनथ टर्म के बारे में, यन टर्म, उसके सम के फॉर्मूले के बारे में, और बात किया था कि यहाँ उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये सारी बातें किसमें आप करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहाँ जीपी, कौन से सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं कि हाँ वो भी एक स्पेशल पैटर्न, जैसे एपी एक स्पेशल पैटर्न फॉलो कर रहा था कि यहाँ कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता था, कॉन्स्टेंट, मतलब दो टर्म अगर साथ साथ लिए जाए उनका डिफरेंस निकाला जा रहा था तो क्या हो रहा था, कॉन्स्टेंट, जिसका नाम था कॉमन डिफरेंस। ऐसे इसमें भी कुछ होगा कि वो एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करेगा और वो स्पेशल पैटर्न क्या होगा, देखते हैं क्या किस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं, किस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं। बात करते हैं कि हाँ जीपी है तो कोई एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, 3, 9, 27, 81 एंड सॉन। ये एक सीक्वेंस लिखा गया है कि हाँ नंबर को एक सीक्वेंस में लिख देना, वो एक सीक्वेंस है। तो अब ये सीक्वेंस क्या जीपी है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? अगर कोई भी सीक्वेंस, सुनना, अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी है, मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सक्सीडिंग टर्म का रेशियो मीन सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का रेशियो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मतलब क्या बता रहे हैं सर, यहाँ 9/3 क्या आ गया, 3 आ गया। और बात करें 27/9, ये भी क्या आ गया, 3 आ गया। और बात करें 81/27, ये क्या आ गया, 3 आ गया। मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, अगर इनका रेशियो क्या आ जाए, एक फिक्स नंबर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, एक फिक्स नंबर आ जाए, तो बात करते हैं वो सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस का नाम होगा जीपी होगा। तो तुमको पता चल गया कि हाँ कोई भी सीक्वेंस जीपी का होगा। ये कैसे पता करना है कि हमें क्या करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है और फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से। अगर वो नंबर डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया, मतलब रेशियो बोलते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, वो अगर सेम आएगा तो सीक्वेंस क्या होगा, जीपी होगा, यही उसका पैटर्न है। तो बात करते हैं कैसे लिखा जाएगा, इफ ए वन फर्स्ट टर्म, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन, ए एन आर इन जीपी। अगर ये कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म ए वन है, सेकंड टर्म ए टू है, कोई भी सीक्वेंस दे देते जनरल और वो क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, देन क्या होगा, क्या होगा, ए टू अपान ए वन, ए टू अपान ए वन मीन सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए थ्री अपान ए टू इज इक्वल टू ए फोर अपान ए थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू ए एन अपान ए एन माइनस वन। क्या बोला मैंने, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म, इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट मतलब इक्वल आएगा। और इसी रेशियो क्या क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन रेशियो। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मतलब ए टू अपान ए वन, अगर कोई भी जीपी पता चल गया तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म या फोर्थ टर्म अपान थर्ड टर्म, कोई कुछ भी कर लेते हैं। तो हमें सीक्वेंस का कॉमन रेशियो, जैसे एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वहां पे डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, रेशियो, तो उसका नाम हो गया कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, ये समझ में आ गया ना कि हाँ कोई भी जीपी होगा तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, या कोई जीपी है तो उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, कैसे पता चलेगा कि उस जीपी है कि नहीं है। एग्जांपल बात करते हैं, 2, -4, 8, -16 एंड सो ऑन, ये देखते हैं कि हाँ ये क्या जीपी है या नहीं है। तो जीपी चेक करने का तरीका क्या है, माइनस सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म कर लिया, क्या आ गया, -2 आ गया, फिर 8/-4 कर लिया, क्या आ गया, -2 आ गया, और फिर -16/8 कर लिया, ये भी क्या आ गया, -2 आ गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा था, ये सीक्वेंस जीपी था, क्या था बेटा, ये सीक्वेंस जीपी था। और अगर जीपी था तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, ए ए जैसे एपी में होता था, ए क्या था, फर्स्ट टर्म, वैसे यहां भी फर्स्ट टर्म ए ही होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और आर 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 मतलब कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है क्या बेटा, कुछ नहीं है, सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, कितना आ रहा है, जो वही कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है आर की वैल्यू, -2। तो ये बात क्लियर हो गई कि हाँ कोई भी सीक्वेंस आएगा तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, तुम्हें दिया गया √3, 1, 1/√3, 1/3 एंड सो ऑन, ये दिया गया, तो ये भी एक जीपी है, ये एक जीपी है, जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए, ए की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, और कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म 1 अपॉन रूट 3, कॉमन रेशियो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या होगा रूट 3 और कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो ये डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ कौन सा सीक्वेंस क्या होगा, जीपी होगा, जीपी निकल जाएगा तो उसका फर्स्ट टर्म मींस जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है वही उसका फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लो कॉमन रेशियो आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है कि हाँ ये तो पता चल गया है। तो बात करते हैं कि अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ किसी भी सीक्वेंस में आर और ए कैसे निकाल लेते हैं, तो बात करते हैं nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी, किसी जीपी का nth टर्म क्या होगा, जैसे एपी का nth टर्म आया था ऐसे जीपी का nth टर्म आएगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। बात करते हैं कि यहां अगर मैं बोल दिया कि यहां जीपी का जो फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट टर्म है ए है, और कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो क्या मान लिया आर है, अगर मैंने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और कॉमन रेशियो को आर मान लिया, तो जो जीपी फॉर्म होगी, जो जीपी फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी, ए ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, करते क्या है कि हाँ उसी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यू, ए इंटू आर की पावर 4 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कि हाँ सीक्वेंस का nth टर्म कैसे आता है, मैंने एपी में भी बताया था कि हाँ nth टर्म कैसे आता है, यहाँ भी बताऊंगा कैसे आएगा। फर्स्ट टर्म सुनना, एक पैटर्न होता है, बात कर रहा हूँ कि सीक्वेंस सीरीज में जीपी की, वो भी एक सीक्वेंस ही है और सीक्वेंस हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो पैटर्न दिखा रहा हूं तुमको, देखना फर्स्ट टर्म में क्या है ए, सेकंड टर्म में भी ए इंटू आर, थर्ड टर्म में ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म में ए इंटू आर क्यूब, फिफ्थ टर्म में ए इंटू आर की पावर 4, कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही होंगी तुम्हें कि हर एक टर्म में मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड, अगर मैं नाइन्थ टर्म की बात करूं सभी टर्म में ए आएगा, अगर सभी टर्म में आएगा तो क्या वो nth टर्म में भी आएगा, हाँ क्लियर है कि nth टर्म में भी आएगा, तो tn में क्या आएगा ए, ए तो फिक्स है कि यहाँ tn में ए आएगा। बात करते हैं r में कौन सी पावर आएगी, r की पावर क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, बात करते हैं देखते क्या है, सेकंड टर्म में r की पावर क्या है 1, सेकंड टर्म में r की पावर 1 मींस 2 माइनस 1, क्लियर है, सेकंड टर्म में r की पावर 2 माइनस 1, थर्ड टर्म में r की पावर 2 मींस 3 माइनस 1, क्या है 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 4 माइनस, मतलब फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1, सेकंड टर्म में सेकंड 2 माइनस 1, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1, तो n टर्म में लग रहा है कि n माइनस 1 होगा, हाँ क्लियर है क्या होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं सिर्फ a है और r है, तो तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला सिंपली पैटर्न पकड़ के आ गया, क्या आया a इंटू आर की पावर n माइनस 1, n कहाँ है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, इस किस टर्म की वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर nth टर्म आ गया तो एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ nth टर्म के निकालेंगे कैसे, तुम्हें अभी एक सीक्वेंस मिल जाए, सीक्वेंस है तुम्हारा रूट 3 रूट 3 9 एंड सो ऑन, ये जीपी है और क्या करना है फाइंड टेनथ टर्म, क्या फाइंड आउट करना है इस जीपी का, एक टेनथ टर्म फाइंड आउट करना, मतलब दसवां टर्म फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखते हैं। अब ये जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा रूट 3, जो पहले टर्म पे लिखा है वही क्या होगा रूट 3 होगा, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। आर की वैल्यू निकालते हैं, कॉमन रेशियो होता है क्या है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 3 अपॉन रूट 3, क्या है 3 अपॉन रूट 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 3, मीन्स ए की वैल्यू भी रूट 3 और आर की वैल्यू भी रूट 3। तो बात करते हैं निकालना क्या था, निकालना यह था टी टेन का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 मीन्स a इंटू आर की पावर 9, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू रूट 3 और रूट 3 की पावर 9, रूट 3 की पावर 9 ये हो जाएगा रूट 3 की पावर 10 और रूट 3 की पावर 10 की वैल्यू होती है 3 की पावर 5, तो t10 क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 रेस टू पावर 5, मींस इस सीक्वेंस इस जीपी का tenth टर्म क्या होगा 3 की पावर 5, कोई डाउट नहीं है। तो हमें कोई भी अगर किसी भी जीपी का nth टर्म निकालना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और उस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये नंबर पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हाँ कुछ और चीज के बारे में, कॉमन रेशियो के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं कि हाँ कॉमन रेशियो, एक टर्म आया था कॉमन रेशियो किसका होता है जीपी का होता है, कॉमन रेशियो किसका होता है जीपी का होता है, तो वह कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है,
बात करते हैं कि कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या पॉसिबल है, कि कॉमन रेशियो की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हाँ, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल क्या है कि हाँ नेगेटिव कैसे हुई, एग्जाम्पल देते हैं कि कोई सिक्वेंस सपोज करो टू, अभी अभी लिखा था -4, 8, -16, 32 एंड सो ऑन, ये एक जीपी है, इसका आर निकालने जाओगे तो -4/2 क्या आया -2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। हाँ, आर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और फिर बात करते हैं आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, देखते हैं आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिक्वेंस है, अभी लिखा था 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन, इसका आर की वैल्यू क्या आएगी, 3, मतलब एक 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी हर एक टर्म में, तो क्या आएगा, ये सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस जीपी ही है। तो बात करते हैं आर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो गई, आर की वैल्यू नेगेटिव भी, आर की वैल्यू पॉजिटिव भी, लेकिन दोनों में कुछ है, कुछ है, मतलब अगर ये आर की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है, आर की वैल्यू पॉजिटिव है। अब दूसरा और देखते हैं कि आर की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक और सीक्वेंस लिखते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, देखते हैं इसकी आर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, इसकी आर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। दोनों ही केस में आर की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन हाँ कुछ बातें कर रहा था कि आर पे कैसे बताएंगे कि हाँ आर क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया आर नेगेटिव हो सकता है, आर पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कुछ बातें कह सकते हैं। वो बातें क्या है, तुमको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म क्या था 3, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 27, फोर्थ टर्म क्या 81, मतलब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि नंबर की वैल्यू, वो जो नंबर आ रहे ना उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग जीपी, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग जीपी। कैसी जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी, मतलब इंक्रीजिंग जीपी होगा कब, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन वन हो, आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो फिक्स है वो जीपी कैसी होगी, इंक्रीजिंग जीपी होगी। तो कोई डाउट नहीं है, अगर कभी तुमसे पूछा गया कि एक जीपी ग्रेटर देन है तो उसकी कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं, ये भी एक जीपी है, इसका भी कॉमन रेशियो पॉजिटिव है, हम किसकी बात कर रहे थे अभी, आर की वैल्यू पॉजिटिव पे बात कर रहे थे, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 1/2, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा हूं पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकंड टर्म 1/4, थर्ड टर्म 1/8, सीक्वेंस में नंबर टर्म क्या हो रहा है, टर्म की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ऑब्वियस सी बात है घट रही है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी, कौन सी एपी, सॉरी डिक्रीजिंग जीपी, जीपी की पढ़ने, तो जीपी की बात करें कौन सी जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी, मतलब हाँ जीपी की वैल्यू, जीपी के नंबर उसके सिक्वेंस में टर्म जो होंगे उसकी वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये कब होगा, ये बात कर रहे थे पॉजिटिव पे, और ये बात करते हैं ग्रेटर देन वन पे, लेस देन वन होगा लेकिन किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। अगर आर की वैल्यू 0 से 1 लाई करेगी तो जीपी कैसी होगी, डिक्रीजिंग जीपी होगी। और बात करते हैं कि आर की वैल्यू 1 हो जाए, पॉजिटिव में आर की वैल्यू 1 हो जाए तो वो कैसी जीपी होगी, बात करते हैं फर्स्ट टर्म 4 ले लिया और सेकंड टर्म 4, 4, 4, अगर इसके हर एक टर्म की वैल्यू सेम आए तो उसके लिए आर की वैल्यू क्या होती है, 1, आर की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये जीपी, हाँ जीपी माना जाता है, जीपी की डेफिनेशन नहीं थी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो कांस्टेंट आए उसकी वैल्यू 1 आए 2 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात करते हैं ये भी एक जीपी, हाँ जीपी है। तो पॉजिटिव केस में मैंने 3 सी बातें बताई कि पॉजिटिव में अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको इंक्रीजिंग जीपी, 0 से 1 लाई करेगा तो उसको डिक्रीजिंग जीपी, और आर इक्वल टू 1 हो गया तो सिंपल उसके सारे नंबर सेम हो गए, तो ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, मतलब सेम रहेगा। लेकिन क्या निगेटिव वाले में भी ऐसा हो सकता है, निगेटिव में देखना क्या हो रहा है, क्या इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी में कैटेगराइज कर सकते हैं, नहीं। पहला टर्म 2, दूसरा टर्म -4, मतलब 2 से कम हो गया, फिर थर्ड टर्म क्या हो गया 8 हो गया, फिर बढ़ गया, मतलब एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने सारे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू की बात कर ली, अब एक और वैल्यू की बात कर रहा हूं, आर इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या वो सीक्वेंस जीपी बनाएगा, कभी जीपी नहीं बनाएगा, जीपी फॉर्म ही नहीं करेगा, ये समझ में आया, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म तुमने कुछ भी ले लिया अपने माइंड में, फर्स्ट टर्म तुमने 10 ले लिया तो बात करेंगे सेकंड टर्म 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 0, 0, तो ये कोई सीक्वेंस मिलता नहीं है। तो बात करते हैं आर की वैल्यू को भी 0 नहीं ले जाती है, तो जब भी डिफिनेशन लिखाया जाता है तो वहां पे ये बताया जाता है कि जीपी में कॉमन रेशियो की वैल्यू उस एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैंने कॉमन रेशियो पे बात कर लिया है, मैंने ये बात किया कि हाँ आज मैंने बात किया कि हाँ nth टर्म में का फॉर्मूला क्या होता है, a(n)(r)(n-1), जहां a क्या है फर्स्ट टर्म है और r क्या है कॉमन रेशियो है। अब जो आज हमने पढ़ा है कि हाँ कॉम एनेट टर्म निकालने का तरीका जीपी का, और कौन सा सीक्वेंस
जीपी होगा और उस जीपी होगा तो उसका कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल से क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द फॉलोइंग जीपी, क्या दे रखा है कि हाँ ये जीपी बना रहा है तो उसके लिए कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए आर वन या आर की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म क्या होगा, अभी भी बताया था क्या सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या दे रखा है माइनस टू और फर्स्ट टर्म दे रखा है फोर, आंसर क्या आ गया माइनस वन बाई टू। इजी है, हाँ बहुत इजी है कि हाँ फर्स्ट टर्म क्या आ गया आर की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी आर की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई टू। सेकेंड के लिए बात करते हैं क्या है सेकेंड टर्म क्या है माइनस सिक्स और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस टू बाई थ्री, ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस सिक्स इंटू थ्री अपान माइनस टू, आंसर क्या आ जाएगा नाइन, आर की वैल्यू क्या आ गई नाइन। तो सेकेंड के लिए आर की वैल्यू क्या आ गई नाइन आ गई, बहुत इजी है। अब थर्ड के लिए तुम्हें करना है और फोर्थ के लिए तुम्हें करना है, आर की वैल्यू निकालनी है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो कॉमन रेशियो मिल जाएगा, तो वो फॉलोइंग जीपी का क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कि हाँ कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी, नाइन्थ टर्म निकालना है किस जीपी का, जीपी ये दे रखा है वन फोर सिक्सटीन टू वन फोर सिक्सटीन सिक्सटी फोर एंड सो ऑन, ऐसे कहीं ना कहीं नाइन्थ टर्म आएगा नो डाउट। और नाइन्थ टर्म निकलेगा कैसे, बात करते हैं नाइन्थ टर्म कैसे निकलेगा। नाइन्थ टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता कितना चाहिए एनथ टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या है टी एन, एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या है टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अच्छी बात है ये फार्मूला याद है, लेकिन फार्मूले में कुछ तो पुट करोगे, पुट क्या करना है ए आर और एन, एन की वैल्यू दे रखा है, एन की वैल्यू क्या दे रखा है नाइन, तो एन की वैल्यू तो नाइन होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एन की वैल्यू नाइन होगी। बात करते हैं ए, ए होता क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहां दे रखा है क्या दे रखा है वन, फर्स्ट टर्म वन दे रखा है। और बात करते हैं आर, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म फोर अपॉन वन, क्या आ गया फोर। तो तुम्हें क्या एन की वैल्यू मिल चुकी है, हाँ एन की वैल्यू क्वेश्चन वाला तुमको दे देगा, ए की वैल्यू हम क्वेश्चन जो सीक्वेंस देगा उससे निकालेंगे, आर की वैल्यू भी सीक्वेंस से ही फाइंड आउट कर लेंगे। बात करते हैं टी नाइन, क्या बात करते हैं टी नाइन, ए की वैल्यू फोर, ए की वैल्यू वन इंटू आर की वैल्यू फोर एन की वैल्यू नाइन माइनस वन, आंसर क्या आ गया फोर की पावर एट। नाइन्थ टर्म आ क्या गया फोर की पावर एट, तो कोई दिक्कत है नहीं कि हाँ नाइन टर्म निकालना है कि हाँ ट्वेंटी टर्म निकालना है, बस हमें क्या मिल जाए एन ए आर, और कोई दिक्कत है नहीं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें कौन सा टर्म निकालना है टेनथ टर्म निकालना है, टेनथ टर्म निकालना है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस कुछ ऐसा लिखा है रूट टू वन अपॉन रूट टू, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं रूट टू वन अपॉन रूट टू वन अपॉन टू रूट टू एंड सो ऑन। ये एक जीपी है और इसका क्या निकालना है हमें टेंथ टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालने के लिए सबसे पहले ए पता होना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है रूट टू, ए की वैल्यू क्या है रूट टू है। और बात करते हैं आर, आर क्या होता है सेकेंड टर्म मीन्स वन अपॉन रूट टू अपॉन रूट टू, ये सॉल्व के क्या आएगा वन बाई टू, ए की वैल्यू मिल गई आर की वैल्यू मिल गई। और तुम्हें यन पता होना चाहिए, यन दे रखा है क्या दे रखा है टेंथ, एन की वैल्यू टेन दे रखा है, तो टी टेन, टी टेन का फार्मूला होगा ए इंटू आर की पावर टेन माइनस वन, ये सिक्वेंस के एनथ टर्म का फार्मूला होता है जीपी के, तो ए की वैल्यू क्या है रूट टू, आर की वैल्यू वन अपॉन टू की पावर नाइन, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट टू इंटू वन अपॉन टू की पावर नाइन, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो समझ में आएगा लिखा है टू की पावर हाफ अपॉन टू की पावर नाइन इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर नाइन माइनस हाफ इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर सेवनटीन बाई टू, क्या आया टू की पावर सेवनटीन बाई टू। और थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दो टी टेन इक्वल टू टू की पावर माइनस सेवनटीन अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं है टी टेन की वैल्यू क्या आ गई टू की पावर माइनस सेवनटीन अपॉन टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है टी टेन की वैल्यू आ गई है। तो हमें टेंथ टर्म निकालना था इस सीक्वेंस का, तो ये सीक्वेंस का टेंथ टर्म आ गया, हमें ए और आर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, पूछा ये है व्हिच टर्म ऑफ द जीपी, इस बार ये नहीं पूछा है कि हाँ फिफ्थ टर्म निकालो या टेंथ टर्म निकालो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया, क्वेश्चन में चेंज क्या आया, पूछा है व्हिच टर्म, कौन सा टर्म होगा किसका जीपी का, जीपी का क्या 729, कोई दिक्कत नहीं है कौन सा टर्म होगा जीपी का 729। तो अपन हमेशा बोल देते हैं जब हमें नहीं पता होता कि कौन सा टर्म होगा तो बोल देते हैं nth टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा जब हमें नहीं पता है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है तो हम बोल देते हैं nth टर्म होगा, तो कौन सा टर्म होगा nth टर्म किसका जीपी का
729, Tn इक्वल टू 729, और किस जीपी का है, इसका है, तो ए की वैल्यू यहां से पता चलेगा रूट थ्री और आर की वैल्यू 3/√3, आंसर क्या आएगा रूट थ्री, ए की वैल्यू रूट थ्री और आर की वैल्यू 3√3 हो जाएगा। तो Tn का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729 इक्वल टू 729। बात करते हैं a की वैल्यू रूट थ्री है इंटू रूट थ्री की पावर n माइनस 1 729, 729 को लिखेंगे कैसे, 3 की पावर 6, क्या लिखेंगे 3 की पावर 6, 3 × 3 × 3, 729 की वैल्यू होती है 27 × 27 का क्यूब है, तो 3 की पावर क्यूब इक्वल टू 27, 3 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6, इसको लिखते हैं 3 की पावर n बाई 2 इक्वल टू 3 की पावर 6, कंपेयर कर लेंगे तो n अपॉन 2 इक्वल टू 6, और यहां से तुम्हें क्या देगा n इक्वल टू 12, क्या दे देगा n इक्वल टू 12 मींस 12th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा ये हमें नहीं पता था, हमने मान लिया कि nth टर्म होगा और n की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली है 12, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि हाँ कभी कभी टर्म की वैल्यू पूछेगा, कभी कभी वो टर्म दे देगा तुमसे पूछेगा कौन सा टर्म होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे फोर्थ टर्म ऑफ जीपी 27, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी 27, फिर दे रखा सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी 729, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना क्या है कॉमन रेशियो, क्या निकालना है कॉमन रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा चेंज दिखा होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा था, सीक्वेंस ही दे रखा था, सीक्वेंस ही दे रखा था, मतलब जीपी दे रखा था, तो हम ए और आर निकाल ले रहे थे, लेकिन इसमें तो उसने आपको सीक्वेंस नहीं बताया, मतलब उसने कहा कि हाँ सीक्वेंस कोई एक सीक्वेंस है तो है, अब हमें नहीं पता कि कौन सा सीक्वेंस है, जिसका फोर्थ टर्म 27 है, क्या दे रखा है, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं टी फोर्थ इक्वल टू 27, टी फोर्थ इक्वल टू 27 दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, T7 इक्वल टू 729, T7 इक्वल टू 279। और बात करते हैं कि हाँ क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या मान लो A, फर्स्ट टर्म क्या मान लो A, फर्स्ट टर्म A मान लो और कॉमन रेशियो R मान लो, अगर कुछ नहीं दे रखा तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फर्स्ट टर्म को ए मान लिया गया, कॉमन रेशियो को आर मान लिया गया, वो सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर हो उसका फोर्थ टर्म 27 है और T7 729 है, तो T4 क्या लिखोगे, ए इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 27, ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू 27, इक्वेशन 1 आ गया। T7 क्या लिखोगे, ए इंटू आर की पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 729, ए इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 729, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। और हमें निकालना क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब दो इक्वेशन, दो अननोन ए और आर, हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्या मिल जाएगा देखना ध्यान से, ए आर की पावर 6 अपान ए आर क्यूब इक्वल टू 729 अपान 27, ए कैंसिल आउट, पावर 3 कैंसिल आउट होगा, पावर 3 बचेगा 27, और यहां से वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू 3, क्या आ गया तुम्हें, R की वैल्यू 3 आ गई, तो हमसे पूछा गया था इस GP का कॉमन रेशियो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, GP का कॉमन रेशियो, जो हमने निकाल लिया, दो ही इक्वेशन बनता है हमेशा, एक ये और एक ये, मींस एक बार 4 टर्म दे रखा है, एक बार 7 टर्म दे रखा है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होता, तो हमेशा वो क्या करेगा क्वेश्चन में कि किसी भी सीक्वेंस बोलेगा कोई जीपी है और उसके किसी भी दो टर्म की वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, दो टर्म की वैल्यू दे देगा, और तुमसे तीसरे टर्म की वैल्यू भी पूछ सकता है या कॉमन रेशियो उसके फर्स्ट टर्म, तीन क्वेश्चन पूछता है, या तो कॉमन रेशियो पूछ लेगा तुमसे, या तो ए की वैल्यू पूछ लेगा मतलब फर्स्ट टर्म, या तो बोलेगा किसी तीसरे टर्म की वैल्यू बताओ, तो आर मिल गया, आर की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बता रहा हूं कि अगर आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ए इंटू 3³ इक्वल टू 27, ए इक्वल टू क्या जाएगा 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का ए और आर पता है तो हम उस सीक्वेंस के हर एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब आज के लेक्चर में मैंने जितनी बातें की है उससे तुम घर पे बुक लेके उससे क्वेश्चन ट्राई करना, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हाँ जीपी में एन टर्म उसके सम के फार्मूले के बारे में कि एन टर्म के सम का फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे कि हाँ इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।